जनाब अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद मिराज ज़वारी और आप देख रहे हैं हवारी गर्ल्स। तो कैसे आप सब फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ठीक हो गए। तो आज मैं मिलाने वाला हूँ एक सऊदी अरब के प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर से। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे यार, हाउस ड्राइवर की तो वीडियो बना दी, अब टैक्सी ड्राइवर की वीडियो बनाओ। तो भाई एक मुझे टैक्सी ड्राइवर भाई मिल चुके हैं जो कि प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं अपनी खुद की, ठीक है जी, कफिल की है या खुद की है वो उनसे पूछते हैं, मुझे नहीं पता सही से। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, उनसे सारी जानकारी लूंगा कि वे कितना सैलरी कमाते हैं, कितने का उनका वीजा मिला है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो चलो मिलता हूँ उनसे और मिलाता हूँ आपको भी। हमारे साथ में एक प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर, ठीक है जी, आज इनसे बात करते हैं और कराता हूँ आपको भी। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंद्रकेश। चंद्रकेश यानी उर्फ राजू भाई। जी जी जी, चलो अंदर बैठते हो, अंदर बैठ के आपसे बात करता हूँ। हाँ, ऐसा आवाज नहीं आने की ना बात। भाई आप कहाँ से हो? मैं जिला बाराबंकी से है। जिला बाराबंकी इंडिया यानी? हाँ, इंडिया से बाराबंकी उत्तर प्रदेश में ना? हाँ, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, कितने साल हो गए आपको? हमको इधर भाई कम से कम 6-7 साल होने वाला है। 6-7 साल हो चुके? अच्छा, घर जाते हो या नहीं जाते हो? मैं 2 साल में, हर 2 साल में छुट्टी मिलता है, 2 साल में जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ घर में गाड़ी चलाते हो? हाँ, घर में गाड़ी चलाता है जी। तो ये टैक्सी तौर पे चलाते हो या फिर घर में ही हाउस ड्राइवर हो? नहीं, पहले हाउस ड्राइवर थे घर में, मगर बाद में कपिल की छोड़ दिया थोड़ा बाहर वाले गाड़ी चलाने के लिए टैक्सी में। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादा काम नहीं है कपिल का तो छोड़ दिया मुझको। जी जी जी, टैक्सी चला रहा है अच्छे से, बढ़िया है। अच्छा, कितना कमा लेते हो महीने का? महीने का आ जाता है 2-3 हजार आ जाता है। 2-3 हजार रियाल? हाँ, 2-3 हजार रियाल आ जाता है सऊदी का। सऊदी रियाल तो इंडिया में कितने बन जाते हैं इनके? इंडिया के कम से कम 60-80 हजार रुपया बन जाएगा। 60 हजार करीब? 60-80 हजार के ऊपर होता है, कम नहीं होता है। अच्छा, कभी रेट बढ़ गया कभी डाउन हो गया, ये तो हाँ ये तो बात बड़ा है। बड़ा रहता है कभी। अभी फिलहाल क्या रेट चल रहा है? 21 का कुछ, 21 का चल रहा है ना? 21 का चल रहा है। अच्छा, तो आपको 6-7 साल हो चुके इधर? हाँ, 6-7 साल हो गए हमको। अच्छा, तो आपने वीजा कहाँ से लिया था? मेरा बड़ा छोटा भाई पहले आया था, मैं छोटा भाई वीजा हमको पहले वो आया, बाद में फिर हमको वीजा दिया तो हम आया, भाई के जरिए से वीजा मिला था मुझको। अच्छा, तो अभी वो है या चला गया वो इंडिया? नहीं, है साथ में रहता है। अच्छा, वो भी यही है? हाँ, यानी दोनों भाई यही हो? है, दोनों भाई यही है। अच्छा, तो उसको कितना टाइम हो गया? उसको तो 7 साल होगा, 1 साल वो पहले आया हमसे। 1 साल पहले? 1 साल ज्यादा आया। अच्छा, यानी तुम्हें 6 साल हो गया, उसको 7 साल हो गया। 7 साल। चलो यार, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। सऊदी अरबिया में आना चाहिए, तो हर आदमी को आना चाहिए। मैं तो एक हिंदू है जी जी, मगर जो मुस्लिम भाई, छोटे मुस्लिम भाई है, सब लोग हाथ इधर है, क्या सिक्किम है, हर चीज करने के लिए इधर अच्छा है। अच्छा, तो मैं ये बोलना चाहता है कि अब कोई भी देश हो, मुस्लिम कोई कंट्री का हो जी, तो जी सऊदीया जरूर आना चाहिए। सऊदीया आने से क्या फायदा होता है? सऊदीया आने से मुझे फायदा है कि यहाँ मक्का है, मदीना है, आराम से आदमी जा सकता है, आ भी सकता है, तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है। तो यार, आप जैसे भाई मुस्लिम को बुला रहे हैं यहाँ पे, आप हिंदू हो, ठीक है जी, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती इनके साथ में रहने में? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भाई के में रहता है, कोई टेंशन नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से हम लोग भाई मिल के रहता है सब लोग। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है भाई, ऐसे ही रहना भी चाहिए। तो आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, वीजा वीजा लेके, अच्छा आदमी है, कोई फ्रॉड नहीं है जो जी। हाँ, फ्रॉडबाजी बहुत हो रही है, बहुत फ्रॉडबाजी हो रहा है, तो थोड़ा हिसाब किताब से वीजा मिल जाए किसी से या कहीं से मकतब से किसी से, तो बात करके आना चाहिए। और सऊदी अरबिया में आना जरूर चाहिए, यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है। अच्छा, सऊदी अरब का कानून भी अच्छा है, हर चीज बहुत अच्छा है जी, खाने पीने का भी कोई दिक्कत नहीं होता है, दोस्त व्यवहार। तो यार थोड़ा मुझे भी बताओ लैंग्वेज का क्या सिस्टम है यार, यहाँ तो अरबी चलती है, अपने तो इंडिया के जो आदमी आएंगे, पाकिस्तान से आएंगे, बांग्लादेश से आएंगे, तो उनको तो अपनी लैंग्वेज का होगा, तो अरबी में यार फिर अरबी समझ में आती है या क्या होता है अरबी में? नहीं, अरबी में आएगा समझ में, धीरे धीरे आता है हर चीज, तुरंत तो आता नहीं है। बच्चे का जैसे पेट से पैदा हुआ तो माँ बाप सिखाता है, तो थोड़ा धीरे धीरे सिखाता है, नहीं तभी तो आता है जी। तो ऐसा जब भी कानून है कि दूसरी कंट्री में जाएगा तो धीरे धीरे सब चीज आता है, ऐसा तो नहीं, यानी इतनी मुश्किल नहीं है अरबी आना? अरबी आ जाती है? मैं तो पढ़ा नहीं था जी, मैं जाहिल था। अरे ऐसी बात ना करो, जब आप 50-60 हजार रुपए कमा रहे हो यहाँ पे, पढ़े नहीं है ना, तो वही इंडिया में तो आदमी इतना धीरे धीरे अरबी आ गया, सिस्टम चल रहा है अरबी, कोई मुश्किल नहीं, धीरे धीरे सबको आ जाता है। अच्छा अच्छा, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, आएगा, महीना 2 महीना लेट होता है, परेशानी होता है जी, बाद में जब उसके साथ में रहता है, सऊदी के साथ में रहने लगेगा, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक वो दिमाग में बैठने लगेगा।
जी अच्छा, तो यार बहुत लोग डरते हैं ना कि भाई उधर तो लैंग्वेज अरबी है, हम तो हिंदी जानते हैं, तो थोड़ा डरे। पाकिस्तान में उर्दू जानते हैं, या बंगला नेपाल में नेपाली जानते हैं, बांग्लादेश में बंगाली जानते हैं, तो यहाँ पे अरबी में कोई मुश्किल नहीं है, अरबी आ जाती है। मुश्किल नहीं है, अरबी में बढ़िया अरबी है, बस जो कोई पढ़े लिखे है तो उसको ज्यादा आता है, फर्स्ट भी आता है। जैसे हम लोग नहीं पढ़े, हम नहीं पढ़े तो थोड़ा आता है, बस चल रहा है सिस्टम, अच्छे से मालूम है, बस ज्यादा नहीं मालूम है। हाँ, कुछ मिला के आ जाती है, इतनी आ नहीं जाती है, है कोई दिक्कत नहीं होता, दो महीना तीन महीने लगता है बस अरबी आने में, कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, तो आप बस अब प्राइवेट ही टैक्सी चलाते हो? हाँ, बस प्राइवेट में टैक्सी चलाता है जी। और तो मर्दों को उठाती है? औरतन को मदरसा वदरसा है, औरतन को। अच्छा, मदरसा भी है? मदरसा है, मार्केट वार्केट जाता है, उसको लेके जाता आता है। अच्छा, यही सब बड़े भाई चल रहा है काम। चलो बहुत बढ़िया है जी, तो खुश हो आप इधर? हो नहीं, बहुत खुश है यार। तो यार यानी ऐसा कोई खुश है कि कभी कहीं नहीं खुश हुए, अभी तो बहुत काम किया मैंने जी। जी, सऊदी अरबिया में जब आया तो हमको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलो बहुत बढ़िया है भाई, हम तो यही कहेंगे अगर आप भी सऊदी अरब आना चाहते हो तो बेफिक्र होके आ जाओ। नहीं, आना चाहिए, चाहे जो आदमी हो, कोई भी कास्ट का हो, सऊदी अरबिया में आएगा तो उसके लिए एक समान है, कोई अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है कि मैं जो हिंदू है या कोई मुस्लिम है, ऐसा नहीं है। अच्छा, सऊदी अरबिया में एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा कानून है, ऐसा सख्त है जी, कहीं दुनिया में नहीं है। चलो बहुत बढ़िया है भाई, लोग बाग डरते भी है यार, अरबी नहीं आती, फिर वहाँ हिंदू है या मुस्लिम है, भाई यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप आओ काम करो, सिर्फ आपसे काम करोगे, आओगे, रहोगे, खाओ पियोगे, पैसा पाओगे, घर परिवार भी आपका चलेगा, मेरा भी चलेगा, सबको चलता है, ऐसा नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो चलो बहुत बढ़िया राजू भाई, आपसे मिलकर यार बहुत खुशी हुई भाई। मुश्किल नहीं है जी, तो मिलते हैं आपसे, अगर दोबारा मिलना हुआ तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, ठीक है? तो अब आप भी जाइए, आपको भी फोन आया हुआ है, ठीक है? हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अरे ये राजेंद्र कुमार थे राजू भाई, ठीक है जी, ये मुझे इंडिया से ही थे, यूपी से, और आपने इनसे सुना और आपने इनको देखा भी, ठीक है? आप भी अगर सऊदी में आना चाहते हो तो आप बेफिक्र होकर आ जाए, ठीक है जी? और इन्होंने वीजा लिया था अपने भाई से, इनका भाई था इधर पहले से ऑलरेडी, उसने वीजा भेजा था, 6 साल इनको हो चुके, उसको 7 साल हो चुके, तो आप भी आए, आप भी आके काम करें। तो आपको मिलता हूँ एक ही इसी ही नई वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।